वेरी गुड कॉन्सेप्ट स्टोरी वाइज, गुड मैसेज बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन ड्रग्स एंड ये जो स्पेशली जो छोटी बच्ची है, आईस जो छोटी बच्ची है वो उसको कैसे वो एडिक्शन पे चली जाती है, माँ बाप कहानी खुलती है ना कि मेरे माँ बाप लड़ते रहते थे तो मैंने अपने दोस्त से कहा तो उसने मुझे ये फिर एक पुड़िया ला के दी क्योंकि मैं परेशान रहती थी. सो हाउ चिल्ड्रन हु लिव इन अ डोमेस्टिक वायलेंट सॉर्ट ऑफ इन्वायरमेंट ना, उनको उन पर क्या असर होता है. तो मैसेजिंग बहुत अच्छी है, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ मैसेजिंग, पीर वाली मैसेज, वो आगे जाके पीर को आके उसी के बंदे काटते हैं. यू नो काशिफ ने जो रोल किया बहुत अच्छा रोल किया काशिफ ने, हाउ ही टर्न्स ऑन द पीर, तो वेरी गुड. यानी कि वो जो होता है ना गुड एंड ईवल की जो एक बैटल होती है, ये गुड एंड ईवल की बैटल बहुत सरफ मज़ेदार तरीके से दो तीन ट्रैक्स में दिखा रहे हैं ये. आई हैव सम इशूज़ विद डायरेक्शन एंड व्हेन आई कम टू डायरेक्टर वी विल डिस्कस इट, लेकिन अभी फ़िलहाल आई थिंक इट्स अ गुड प्रोडक्ट एंड द एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड आई एम होपिंग कि आगे सही चलता रहे, डिप ना करें. तो रेलेवेंट है और ये वो ऐसी कहानी है कि आप 20 साल पहले भी अगर बात करते तो ये कहानी रेलेवेंट थी और 20 साल बाद भी रेलेवेंट होगी बिकॉज यही सिचुएशंस, यही सर्कमस्टांसेस, यही ड्रग्स, यही पीर, यही सब कुछ चलता रहेगा ना ट्रेडिशनली एंड कल्चरली, वील हैव दिस ऑलवेज. सो इट्स नो इट्स लाइक अ टाइमलेस पीस. इसमें कोई वो नहीं है कि जी ये सिर्फ 80s में बन सकती थी या 2000 में बन सकती थी ये. सो इट्स गोइंग टू बी अ रेलेवेंट स्टोरी फॉर ईयर्स टू कम. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स गुड राइटिंग एंड लोगों के जो इसमें जो कैरेक्टर्स आर वेल डिफाइंड, सबके अपने अपने जगहें बनी हुई हैं. मैं ये सिर्फ सोची थी कि शायद अकबर अली अहमद शुड हैव डन काशिफ्स रोल एक्चुअली, बिकॉज काशिफ्स रोल इज मोर पावरफुल देन एग्जैक्टली, वो ज्यादा पावरफुल हो गया, वेरी पावरफुल, और देन मे बी इट वाज बॉब, हिज काशिफ अच्छा नहीं कर सकता, बट मे बी काशिफ हैज टर्नड इट इनटू समथिंग बिगर, है ना. बट ओवरऑल आई थिंक कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी कमजोरी है, लेकिन द ओवरऑल पिक्चर इज वेरी गुड. सो आई थिंक आई विल गिव इट अ 8. डॉक्टर ताबीर के साथ जो दूसरे डॉक्टर हैं वो ऑब्वियसली पॉलिटिशियन के बेटे हैं तो वो एक पॉलिटिकल टच उनमें भी आ रहा है, क्योंकि देखे ना जब वो बच्ची मर जाती तो सियासतदान और वो कितना खेल रहे हैं उसके ऊपर कि बोलें ना बोलें कैसे बोलें. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स हैपनिंग ऑन द डेड गर्ल आल्सो. सो मैरीन इज़ डन अ गुड जॉब. आई हैड टू क्वेश्चंस फॉर मैरीन. एक तो ये था कि ये पुलिस वाले तो बड़े फारिग थे मैरीन, बिकॉज ये कभी भी किसी भी वक्त अहमद अली अकबर एंड द फोर्स आर ऑलवेज इन द हॉस्पिटल ऑल द टाइम, घूम रहे हैं, जब भी जरूरत पड़ी बस टर्न अराउंड वो खड़ा है. मेरा मतलब है इस शहर में और कोई क्राइम कभी नहीं हुआ, नहीं होता, ये लोग कभी नहीं कहीं जाते, इधर ही एक टेंट लगाया हुआ है इन्होंने, राइटिंग में नहीं होगा, बट दे हैव ऑलवेज, नहीं बट डायरेक्टर कैन आल्सो से ना कि मे बी शी फोन एंड कॉल द पुलिस. आई मीन ही इज जस्ट ऑलवेज इन दिस हॉस्पिटल ऑल द टाइम, इज लाइक व्हाट, दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू, व्हाई आर दे हियर. आप देखे ना, इफ यू वॉच द लास्ट टू एपिसोड, लेकिन वो सिचुएशन बनाते जरूर थे, आपको कहते थे अभी ये हो गया, इधर थाने में होता भागा, अलग कहानी है, लेकिन रैंडमली बीच में भी पुलिस वाले वहीं हैं कॉन्स्टेंटली. एक वो सवाल था मेरा, दूसरा सवाल यह था कि जब एक पेशेंट ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रहा होता है तो वो कहाँ होते हैं अस्पताल में, आईसीयू में. हाँ, तो ये क्या कहाँ लेटी हुई थी ये बच्ची? बच्ची तो वार्ड में थी, वार्ड में थी विद ऑर्गन फेलियर, राइट. आई वॉज सरप्राइज बिकॉज मैरीन इज अ वेरी डिटेल ड्रिवन डायरेक्टर. हालांकि ऑर्गन फेलियर में तो फिर आईसीयू में किसी उधर, और अगर उस हॉस्पिटल में आईसीयू नहीं है तो आप फॉरन रेफर करें ना कि एम्बुलेंस बुलवाएं, बच्ची को रेफर, जस्ट लाइंग इन द वार्ड ऑन अ ड्रिप एंड ऑक्सीजन मास्क एंड दैट्स नॉट ऑर्गन फेलियर एनीवे. बट यू नो सो आई वाज अ लिटिल आई वाज वंडरिंग बिकॉज मैरीन इज नॉट, शी इज अ वेरी यू नो पक्की डायरेक्टर. अब पता नहीं क्या, शायद उनको वहाँ पे वो कुछ जल्दी जल्दी काम निकालना पड़ा, कुछ था मसला, बट अदरवाइज ओवरऑल इट्स गोइंग वेल, इट्स डूइंग वेल. And again, I have great expectations. अगले दो तीन चार एपिसोड हैं इसके, कितने हैं इसके और? I think 5-6 हैं, तो दो और हैं. और जो अच्छा, हाँ, next episode, second last episode. जो overall जो इसका कहानी, overall जो picture है, बहुत बड़ी picture है. ये मैं छोटे-छोटे सिर्फ कीड़े निकाल, मुझे लग रहा है कि जो मॉब वाले पूरा शूट किया था बहुत अच्छा किया, जैसे मॉब आ रहा है और जो उधर काशिफ का जो कैरेक्टर कर रहा है, जलसे वाला मॉब वाज, हाँ, जलसा वाज वेरी वेरी प्रोडक्शन वाइज वेरी हल्का द जलसा, लेकिन यस एंड में मॉब एंड ऑल. तो आई थिंक बट एज आई सेड कि जो मेन जो कहानी है, जो मेन जो आइडिया है कि हमने क्या किस चीज़ से बात करना है, दैट्स कमिंग आउट वेरी वेल. सो आई विल गिव मैरीन 8. एक्टर
लगता नहीं कि वो एक्टिंग कर रही हैं, वो लगता है कि वो एक्चुअली वो डॉक्टर ताबीर हैं, डॉक्टर ताबीर लग रही हैं आपको, यू नो. और ये एक फाइन लाइन होती है बिटवीन दैट एंड लुकिंग लाइक यू आर पुटिंग ऑन एन एक्ट ना. एंड अगेन सिंपल लुक इन कैरेक्टर इन हर डॉक्टर्स आउटफिट, नो ग्लैमर, नो ग्लिट्स, नो ग्लैमर, जस्ट परफेक्टली सॉर्ट ऑफ सेट इनटू द कैरेक्टर एंड एज अप्रोप्रिएट. वो उस स्टेज पे हैं जहाँ पे ये डॉक्टर वाला रोल उनको सूट भी कर रहा है. सो आई विल गिव रमशा एट हैज. एंड यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है कि अक्सर हम जब बात करते हैं ना कि भाई ये रोल नहीं करना बहुत नेगेटिव है, ये रोल नहीं करना बहुत वो है, हीरो बनना है, ये सब अब बातें एक्टर्स को छोड़ देनी चाहिए. एक्टर्स शुड गो इनटू परफॉर्मेंस ड्रिवन रोल्स जहाँ पे उनको लगे कि हम इसमें कुछ हिस्सा डाल सकते हैं और कुछ बना सकते हैं इसके साथ. एंड आई थिंक दैट काशिफ इज ऑल्सो नैपा ट्रेन, ही इज़ एन एक्ट मेंबर. आई एम सो प्राउड ऑफ यू काशिफ, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब एंड आई नो आई वर्कड विद यू सो आई नो कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं एंड बहुत कमिटेड एंड डेडिकेटेड एक्टर है. एंड आपके सामने एक्चुअली आई थिंक काशिफ इज द हीरो ऑफ द होल. नादान का जहाँ तक ताल्लुक है, काशिफ स्टैंड आउट वे बियॉन्ड एवरीबडी एल्स एज द मेन कैटलिस्ट हीरो वट एवर यूड लाइक टू कॉल हिम. एंड आई थिंक ही इज अ 10. मैना जी, काशिफ आई थिंक थ्रू दिस ईयर वी हैव सीन हिम इन 2-3 डिफरेंट. आई थिंक हमने उनको उसमें देखा अखाड़ा में, अखाड़ा जहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आया था अखाड़ा में. हाँ, लेकिन स्टिल उसने अपना और जो महरीन वाला जो लास्ट प्ले था जिसमें दीका जी भी थी उसमें भी वाज अ पुलिस वाला नहीं, और ये वाला था जिसमें हस्बैंड बना था इसका रजिया, रजिया में द इविल हस्बैंड. उफ, ही वाज सो फ्राइटनिंग इन दैट, ही वाज सो फ्राइटनिंग इन दैट. एंड आई हैव डन अ प्ले विद हिम वेयर ही इज प्लेड अ गुड गाय टर्न evil, evil to nahi but turn nasty because he gets jilted. So I've seen him in so many variations, but I think the strongest performance that I've seen him do is this. I think Razia was one, even though he was there for one episode or two episodes. Isme jo hai na, I think ye jo aakhri, ye jo abhi jo humne jo mob ke saath jise manipulate karta hai mob throughout, even when he brings the body in, I think wahan jo uski baatein turn karta hai na, he just turns it into ke aap kyun nahi accept kar rahi, nahi nahi mare, kya keh rahi hai ye dekhe wo, you know, he just gives everyone a basic doubt yeah, ke bhai this is how he's just done it. So aur uska jo ego hai wo aap dekh rahe hain ki wo beech mein aa raha hai. Ego is such an important thing for him because he knows he's from nowhere, so that's the only thing he can hold on to. He lies to the wife, he lies to this person, he lies to that person. There was another scene, I think even jail mein jab, there was a scene where both of them are face to face, I think pichle episodes mein the, wo bhi bahut acha. I mean like it's just that, like maine kaha na ki apna Hania jo hai na dil se hi kar rahi hai role, mujhe lagta hai ye bhi dil se kar raha hai. I mean I think he does all of his roles like that, but somehow this one I feel that he's just gone and in another direction, another